क्षमा करते हो। वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल नीलम हरिप्रता, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीलम हरिप्रता पे। तो अभी सुबह हो चुकी है और हम पी रहे हैं चाय। मिंटो से दिन हमारे बनाई है चाय, तो अभी चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। बस अभी सब लोग हो चुके हैं नहा के रेडी और अभी हम जा रहे हैं सलीमाबाद भुआसा के साथ। करेगा भुआसा में लेके जा रहे हैं दर्शन करवाने। तो भी जल्दी है हाँ नील तो कर दो। हाँ निश्चित उधर कुरकुरे छुपा ले। तो ये अभी मैं आ चुके हैं कुंड में। मैं मेरा बंदा देख काकू की चाय। ये काकू है, हेलो कर दो काकू को। हाय अच्छा कौन ऊपर करके आ जा। की का कोई छोरी भेजूं घर का तो बाबा जवा से। नहीं मैं तो बैठा का पापड़ा पस लेंगी। तो आके जी आ चुके हम लोग वापस दर्शन करके। नहीं मैं फोन ने अब इंस्टाग्राम चलाई। इंस्टाग्राम पर रही इंस्टाग्राम नहीं घर पे पड़ी है। तो बस अभी हम आ चुके हैं लंच करके, अभी हम करेंगे रेस्ट। आ चुके ताली बजाओ सब। पकड़ी राधे जी की भैया, चलो ताली बजाओ ब्रो। पकड़ी राधे। तो यहाँ पे बस सब बातें वगैरह करने के बाद हम आगे तो समथुनी देखने। समथुनी यानी जीजा को जो पीहर की तरफ से जो जो भी गिफ्ट्स मिले हैं वो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। काफ़ी अच्छी थी सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह ज्वेलरी सब अच्छी थी। यहाँ पे चांदी के बर्तन थे और चौपड़ वगैरह आपको यहाँ पर दिख रही होगी। मतलब यहाँ पर गिफ्ट आइटम थे जो अच्छे थे काफ़ी। यहाँ पर सूट वगैरह मेकअप सूट उनकी फैमिली के लिए जो है 11 पोशाकें थी, मतलब कि ससुराल वाली फैमिली के लिए एक जैसे 11 पोशाकें थी। और बाकी जो सूट थे बाकी अदर फैमिली मेम्बर्स के थे और बाकी जो थे वो जीजा के थे। तो सबकी डिज़ाइन जो थी वो भी बहुत प्रीटी थी, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है और ये देखिए आप सारे सूट जो है वो बहुत ही सुंदर है। स्लीपर्स वगैरह हर चीज़ जो है बहुत ही सुंदर लगी मेरे को, बेड वगैरह भी। तो ये सब भी चीज़ें जो हैं वो जीजा के साथ उनके ससुराल जाएगी। फिर इसके बाद हमारी आती है ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी में जो फुल समय दोनों हाथों का गहना था और सबकी डिज़ाइन जो है बहुत प्रीटी थी, आपको डिज़ाइन दिख रही होगी। सब एक ही जैसे डिज़ाइन में बने थे। उसके बाद उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए थे, मतलब कि सासू के लिए, नंदों के लिए और ज्वाइंस वगैरह के लिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई थी। और ये लोग देखो हम कब से मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये लोग मुझे सोने नहीं दे रहे। यहाँ पे कोई नहीं सोने देता है। अरे छोटी सी बच्ची सो रही है, उसको ये लोग सोने नहीं दे रहे, उसको उठाना चाह रहे हैं। इतने जूते ना यार। मिसा हमारा काकू और पिंसा हो चुके एकदम रेडी। चला टन जिम में जा रहे हो तो तैयार होके अभी नहीं है। ये लगता है जैसे भी वो तो सब जा रही है। जा रही है तेरे डरावे इन पे डर जा। कब तो दादा कहीं नजर लागी है कहीं कहीं लागी। तो वो देखो मिंटू का अपना दूसरे पर्स है, दूसरे ले ले मैं पिसा। तो बस अभी हम हो चुके हैं एकदम रेडी। और दे देता मम्मी मैंने दोनों ने अपने रेड रेड पहना है। अरे हमारे दीपा ने पहना है ब्लू। और ये मम्मी भी हो चुके हैं रेडी और बड़ी मम्मी भी हो चुके हैं रेडी। और ये हमारा ग्रूम टू बी वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पे भी हम सब हो चुके हैं रेडी रेडी रेडी। कहाँ गई ज्योति? ज्योति कहाँ गई? मिंटू
अदर सब अच्छी आ रही फोटो सेल्फी भी ले लेती हूँ मेरे फोन में, तुम लोग तो देते नहीं हो। तो हमारे भाषा भी एकदम रेडी हो चुके हैं। हेलो भाषा, कैसी लग रही है आपको? हम सब बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो, ये वायरो की फोटोज खिंचाने के लिए देखो कितने लोग यहाँ नीचे बैठे लाइंस में। देख रहे हो हमारी बैठने की व्यवस्था? खाली इनका फोटो अच्छा है इसलिए बैठे इधर। और अब यहाँ पे आ चुका है पडला। पडला जो था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब पैकिंग वगैरह सब बहुत अच्छी थी। जीजा की 21 पोशाक आई थी और सभी जो है बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। और बाकी सारी चीज़ें थी, आर्ट था, गले में था, वो भी आपको दिख रहे होंगे। जो रेड कलर वाली जो ड्रेस है वो जीजा की बरी है। और बाकी ये जो सामान आते पटले में वो है श्रृंगारदानी है। और ये सब जो डिज़ाइन जो थी वो सबको काफ़ी अच्छी लगी। ये देखिए, ये आर्ड है और साथ में ये जो है गले का सेट भी है। तो यहाँ पे अब हो रही है तेल बांध की रस्म, मतलब कि फैमिली में से जो 7 लेडीज होती है वो तेल बांध की रस्म करती है। हो डन ये भी इधर देखिए कैमरे की तरफ आप सामने हो गया। चलो मैं भी दिखाऊं, देखो हमारे यहाँ के कितने भूखे। तो यहाँ पे अब हम लोग आ चुके थे खाना खाने, जब तक वहाँ पे ब्राइड रेडी हो रही थी। यहाँ पे सभी भाभी सा लोग जो है और बड़ी मम्मी जो है वो खाना यहाँ पे खा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इनकी वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली जाए कि कौन कितना खा रहा है। Thank you.
यहाँ पे बारात आ चुकी है और मैं छत पे जाके शूट कर रही हूँ। ये हमारे रावले का जो दरवाज़ा है, सभी बीन जो हैं यहीं तोरण मारते हैं, घर चाहे अंदर किसी भी साइड हो। तो मैंने ये सब छत पे जाके शूट किया ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा सकूँ। उसके बाद के अंदर जो लड्डू मारती है, मतलब दुल्हन जो है वो आ चुकी है, आपको दिख रहा होगा ब्राइड, तो वो लड्डू मारने आई है। तो वो अभी जो ये रिचुअल्स है वो अभी होगा, जीजा आगे जा रहे हैं और एकदम जो है पटाखे भी चलने लगे जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। और जीजा का जो लड्डू था वो भी एकदम जो है एकदम सही दिल की साइड पे लगा था। थोड़ा दूर जाओ, वीडियो है, इतना कैसे घुसूंगी मैं। कुछ ऐसे कुछ करो तो सिर्फ फोटो थोड़ी खींच रही है। तो ये है मेरे भैया भाभी साहब। भाभी साहब ने ही जो है वो झिलमिल की आरती। ये मेरे बड़े भैया हैं, इन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया है, इसे पढ़ पढ़ के आज मैं इंग्लिश लिटरेचर की टीचर बन चुकी हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे इतना होशियार कर दिया। और इनकी फिर बच्चा हो चुका है, इनकी बच्चा हो चुका है, अभी बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको पढ़ाऊंगी। मैंने कर ली है ड्रेस चेंज, देखना उसमें थोड़ी ना। ऐसे हेलो करो, अरे यार हेलो कर दो यार, अरे कर दे यार हेलो। निशिता एक मार खींच के क्या हुआ? बंद करो, बंद करो, उछल के उछल के बंद कर दे, उछल के उछल के, इसको 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 बंद करनी है, उछल के उछलो, 1 2 3। तो बस अभी हम सब लोग आ चुके हैं घर पे सोने। तो बस आज के ब्लॉग का भी एंड में ही करूँ। आई होप सो आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कराना ना भूले। थैंक यू।